दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, ऐसे दुनिया देखते रहिए। मैं हूँ सिकन कुमार, आप सभी को एक छोटी सी वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलो, आज का जो बात हम करने वाले हैं तो IRCTC के ऊपर बात करेंगे। आप इंडियन रेल भी बोल सकते हो या इंडिया का लाइफ लाइन भी बोल सकते हो। तो चलो, आज हम एक अकाउंट IRCTC में कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपका नज़दीक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है या कोई शॉप में जाके आप टिकट बुक करते हो तो आपको पैसा लगता है, या आपका नज़दीक में रेलवे स्टेशन नहीं है तो आप दूरी पे जाके बुक करते हो तो आपको बहुत दिक्कत हो रहा होगा। इसीलिए SS दुनिया की तरफ से आप लोग के लिए एक छोटी सी प्रयास है कि आप अपना मोबाइल से कैसे एक टिकट बुक कर सकते हो, उसके लिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ऐसे टेक वीडियो और PF का बारे में और दूसरा चीज़ के बारे में मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो मेरा चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मेरे साथ वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो देर किस बात की, चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमें एक अकाउंट बनाने के लिए IRCTC का एक ऐप ज़रूरत पड़ेगा। तो आप प्ले स्टोर में जाके IRCTC रेल कनेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हम IRCTC ऐप में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास पासवर्ड है, यूज़र नेम आप बनाया तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अभी नहीं है तो हम एक नया वाला क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर यूजर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, उसके बाद ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए, उसके बाद एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो पासवर्ड दिया गया है तो नीचे हम वही पासवर्ड को फिर से एंटर करके कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, उसके बाद आपका मिडिल नेम कुछ कुमार वगैरह कुछ है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर कुछ है तो यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी पर आप इंडिया ही चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे अपना व्हाट इज द योर पेट नेम यहाँ पे एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो है आंसर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, ये दोनों ऑप्शनल है, ऑक्यूपेशन और मैरिज स्टेटस। तो आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन, आप कौन से गवर्नमेंट का काम करते हो, पब्लिक, प्राइवेट, पर्सनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, अदर कुछ है तो यहाँ पे उसी हिसाब से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैरिज स्टेटस पे आप मैरिज हो तो मैरिज रखिए, आप शादी नहीं किए हो तो अनमैरिड रख लीजिए। ये दोनों ऑप्शन है, आप रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं पूरा कर लेता हूँ, पूरा करने के बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान में रखें, आप यूजर नेम जो सेट करते हो आपका पहला नंबर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे साइड में भी दे दूँगा, आप वहाँ पे देख के फिलअप कर सकते हैं। अपना नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको नंबर एक चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि 4 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया या 2 डिजिट हो गया। यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अवेलेबल रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा या कुछ वार्निंग नहीं आएगा, और अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा। आप दूसरा नेम दूसरा नंबर के साथ चेंज करेंगे, जो नंबर यहाँ पर हो जाएगा कन्फर्म तो उसी आईडी आपका उसी जो है वही यूज़र आईडी होगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट करना आपको सबको पता होगा, पता नहीं है तो आप साइट में एग्जांपल के तौर पे मैं डाल दूँगा, वहाँ पे देख के आप टाइप कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं मेरा पूरा कर लिया हूँ। आप यहाँ पे पासवर्ड में जो पहला जो पासवर्ड दिया है सेकंड में भी वही कन्फर्म पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपना जो है एड्रेस फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, या आधार कार्ड से देख के भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट जो है डाल दीजिए, एरिया,
सिलेक्टेड कंट्री इंडिया डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस डाल के यहाँ पे फ़ोन नंबर एक डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं मेरा डाल लेता, आगे का प्रोसेस आपको फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं मेरा फिलअप कर लिया हूँ, आप अपना कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ ऐड आएगा, उसको काट देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यूजर और रजिस्टर्ड सक्सेसफुल वेरीफाइड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस, प्लीज लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन का जो है मैसेज आ गया है कि हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो यूजर नेम दिया है, जो यूजर आईडी दिया है, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो दिया था वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर फिल करके भी कर सकते हैं, या यहाँ पे टिक करके लॉगिन एंड बुकिंग विथ ओटीपी में भी कर सकते हैं। तो हमें कैप्चर यहाँ पे फिल कर लेंगे, वो जो कैप्चर दिया है यहाँ पे फिल कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस कैसे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और जीमेल एड्रेस कैसे वेरीफाई करेंगे आगे आपको मैं बता दूंगा। तो चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं यूज़र आईडी यहां पे फिलअप कर चुका हूं, पासवर्ड भी दे चुका हूं। उसके बाद यहां पर कैप्चर जो है वो फिलअप कर लेते हैं, जैसा है ऐसा ही फिलअप कर लीजिए, जो लेटर में है लेटर में, जो नंबर में है नंबर पे, यहाँ पे उसी टाइप का फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे लॉगिन पे दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लॉगिन कर देंगे, मेरा वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना आईडी आ गया है ऊपर, उसके बाद यहाँ पे नंबर मोबाइल नंबर आ चुका है, तो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे नंबर पे मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो जीमेल एड्रेस, तो जीमेल एड्रेस में जो ओटीपी आएगा यहाँ नीचे डाल के वेरीफाई यूजर पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं ये पूरा कर लेता हूँ, आगे का प्रोसेस फिर आपको। तो आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस दोनों वेरीफाई हो गया है, तो आप यहाँ पे एक पिन आपको जेनरेट करना पड़ेगा, जेनरेट पिन। तो यहाँ पे एक पिन आप सेट कर लीजिए, 4 डिजिट का या 6 डिजिट का। यहाँ पे 4 डिजिट का एक पिन सेट कर लेता हूँ, आप भी अपना यहाँ पे एक 4 डिजिट का पिन सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे 6 डिजिट का पिन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट का पिन ही आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस ऑफ फॉर फ्यूचर यूज। तो ये आपको फ्यूचर में काम आने वाला है, आप कुछ पासवर्ड भूल जाते हो या दूसरा कुछ प्रॉब्लम में ये पिन को आप ज़रूरत पड़ेगा, तो ये पिन को आप याद कर लीजिए और ध्यानपूर्वक इसको कहीं पे लिख दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हम पासवर्ड, हमारा जो IRCTC अकाउंट वो क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे देख सकते हो होम दिया गया है, माई अकाउंट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आप जाके क्रोम ब्राउज़र में भी इसको प्रोसेस कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र में आप जाके ओपन कीजिए और उधर टाइप कीजिए IRCTC, उसके बाद गो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम ही है, आप उधर भी जाके ये प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोनों में कोई किधर दिक्कत आ रहा है तो मेरे को कमेंट के जरिए में बता सकते हो, मैं आपको कमेंट के जरिए ही हेल्प कर दूंगा। तो आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, इसीलिए SS दुनिया आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा मुझे विश्वास है, और ऐसी प्रयास SS दुनिया की तरफ से जारी रहेगा आपके लिए, आपके साथ हम हमेशा खड़ा है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टिकट कैसे IRCTC के थ्रू हम बुक करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो का लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को SS दुनिया और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे हमेशा हमको प्यार देते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट के जरिए बता सकते हैं बेझिझक। तो मैं हूं शिकन कुमार, आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले के मज़ेदार किस्से के साथ। देखते रहिए SS दुनिया,
नमस्कार, जय हिंद।